हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो विजुअल स्टूडियो कोड पर हम एक प्रोग्राम लिखेंगे विजुअल बेसिक में। और ये प्रोग्राम जो है कुछ इस तरह का होगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ मैंने प्रोग्राम भी लिख रखा है। ये हमारा प्रोग्राम है। यहाँ पर हमने एक मॉड्यूल बनाया है मॉड्यूल वन नाम से। और फिर इस तरीके से यहाँ पे हमने वेरिएबल्स भी बनाए हैं इंटीजर टाइप के। अब ये वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं, यानी आप इसमें पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं एंटर कर सकते। यहाँ पे देख सकते हैं ये इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है वो हमने बनाया है। और फिर यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन जो लिखा जाता है विजुअल बेसिक में वो लिखा है हमने। और फिर यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, फिर एंटर सेकंड नंबर, और फिर यहाँ पे एडिशन करवाया हमने। तो अगर इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं, यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन है और ये यहाँ से स्टार्ट विदाउट डिबगिंग है, तो आप दोनों ही तरीकों से जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर टू बी एडेड। तो पहला नंबर हमें देना है जिसे ऐड करना है। मान लीजिए वो पहला नंबर 76 हो गया, फिर यहाँ दूसरा नंबर 5 दे दिया हमने, तो ये 76 में 5 ऐड करके हमें दे देगा, ठीक है। और फिर हम इससे बाहर आ जाएंगे। अगर फिर आप किसी दूसरे नंबर को ऐड करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। आप कंसोल ऐप से चलते हैं हम, तो ये कंसोल ऐप से जाएंगे तो ये थोड़ा सा इस तरीके से आएगा और थोड़ा सा ये टाइम लेता है। तो यहाँ पे 7 हमने एंटर करा और 9 एंटर करा, तो यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों का एडिशन करके ये हमें दे दे रहा है 16। तो ये आप विजुअल स्टूडियो कोड पे बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर ये छोटा सा कोड है, ठीक है। इन कोड्स के बारे में तो हम बहुत पहले से बात कर रहे हैं और इस तरह का कोड लिखना आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये कोड किस तरह से लिखा जाता है। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने सीखी है, जैसे कि हमने जावास्क्रिप्ट की भी बात की है, एचटीएमएल की भी बात की है। एचटीएमएल तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है। इसके पहले हमने सी लैंग्वेज की बात की है, सी प्लस प्लस की बात की है, जावा की बात की है, जावास्क्रिप्ट की बात की है, पाइथन की बात की है। इन सब में हम देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा और आप अपना काम आसानी के साथ कर पाएंगे। तो चलिए इसके ऊपर और भी वीडियोज आती रहेंगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।